तो गाइस, आज है मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार और इस तरह से मैंने देवी का स्थापना किया है। पांच फल चढ़ाने के रहते हैं और ये महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार कभी चार आते हैं, कभी पांच आते हैं। तो ये गुरुवार सब लोग उपवास करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और रात को फिर देवी को नैवेद्य धराते हैं और रात को फिर खाना खाते हैं जो देवी के लिए बनाते हैं वो। तो इस तरह से हम अपने घर में देवी को बुलाते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। तो मैंने पूजा की पूरी इस तरह से तैयारी कर ली है और ये देवी का कुंभ भी मांड दिया है और अब मैं दिया लगा के फिर वो पूजा वगैरह करूँगी और देवी की जो कहानी रहती है वो पढ़ूंगी। ओके गाइस, तो गाइस कथा शुरू करने से पहले आप देख लीजिए मैंने क्या-क्या किया है। तो ये मैंने दिया जलाया है, पांच फल रखे हैं और साथ में कच्चा दूध रखा है और ये है शक्कर और ये देवी का कुंभ मैंने बनाया है और इस तरह से मैंने सारा सब सजाया है। तो गाइस चलिए अब हम कथा पढ़ते हैं। ये है मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार और अब हम कथा स्टार्ट करेंगे। मार्गशीर्ष महीने के पहले गुरुवार की कथा पोथी पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गाइस आपको कच्चा दूध जरूर से रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस चलिए अभी लक्ष्मी व्रत की कथा स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी बुक महालक्ष्मी व्रत का। तो मैं आपको लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ और ये है गाइस गुजराती में। तो ये व्रत करने से बोलते हैं धन संपत्ति प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसमें पूरा लक्ष्मी जी की पूजा पद्धति, स्थापना, विसर्जन सब लिखा हुआ है कि किस तरह से हमें करना है। उसके बाद यहाँ दी है लक्ष्मी जी की आरती और अब चलिए लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ते हैं। गाइज ये कथा मेरे पास, ये बुक ना गुजराती में है तो मैं गुजराती में कथा पढ़ के सुनाती हूँ। ओके, श्रद्धालु भक्त जनों सांभळो, श्री लक्ष्मी व्रतनी गुरुवारनी कथा। आ व्रत सांभळीने शुं थाय छे? ये व्रत सुनने से क्या होता है? तो दुख दरिद्र दूर होता है, लक्ष्मी जी की कृपा आती है, धन दौलत प्राप्त होता है और लंबा आयुष्य मिलता है और संतान प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। इनके लक्ष्मी जी के नाम और रूप अलग अलग अनेक है, जिसमें कैलाश में पार्वती है, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गोलोक में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में विरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कंद दंती, केतकी वन में सुशीला, कंदब वन में कंदबमाला, राजगृह में राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी। इस तरह से रूप और नाम से लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध है। तो बहुत पहले के द्वापर युग के सौराष्ट्र देश की ये बात है गाइस। वहां एक भद्रशवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत पराक्रमी था और चार वेद, छह शास्त्रों और 18 पुराणों का वो ज्ञाता था। उसकी रानी का नाम था सूरतचंद्रिका। वो सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। गाइस में गुजराती में बुक है, उसका ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में सुना रही हूँ। तो उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। तो वो रानी को 8 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था श्यामबाला। तो एक एक टाइम क्या होता है, श्री लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि वो राजा के राज्य में रहेगी तो राजा प्रजा को ज्यादा सुख देगा, तो मैं राजा के पास रहती हूँ और गरीब के पास रहूंगी तो वो सब संपत्ति खा जाएगा। इसलिए ना, और इसलिए लक्ष्मी जी ने क्या किया, एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया, हाथ में लकड़ी ली और धीरे धीरे वो सूरचंद्रिका रानी के महल के पास आके खड़ी रही। उसको देख के ही दासी उसके पास आके पूछने लगी उसका नाम, उसका पति का नाम, रहने का ठिकाना, वो सब उसको पूछने लगी।
तो वो जो बूढ़ी थी जो लक्ष्मी के रूप में आई थी, वो उसने बोला मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम लोग द्वारका में रहते हैं। और ये जो आपकी रानी है, दासी को उसने बताया कि ये जो आपकी रानी है उसका वो पूर्व जन्म में एक बनिए की पत्नी थी और वो बनिया बहुत गरीब था, रोज के झगड़े होते थे, उसका हस्बैंड उसको मारता था। वो त्रास से कंटाल के वो घर छोड़ के निकल पड़ी थी, जो रानी आज की है ना, वो तो जंगल में भूखी प्यासी भटकने लगी थी वो रानी। तो उसकी दशा देख के लक्ष्मी जी को दया आ गई थी उस वक्त, तो उसने लक्ष्मी व्रत की सारी माहिती उसको दी, वो मतलब वानिया की पत्नी को, रानी को। तो वो करने से लक्ष्मी देवी उसके प्रसन्न हुए और सारी गरीबी दूर हुई और वो बहुत आनंद में रहने लगी। और फिर बाद में वो दोनों दोनों की डेथ हो गई, मृत्यु पाम्या, मतलब उन लोग की डेथ हो गई। तो गाइस ये लक्ष्मी जी ने ये स्टोरी दासी को सुनाई कि ये आपकी रानी इस तरह से गए जन्म में एक बनिए की पत्नी थी और फिर उसने मेरा व्रत किया। वो बनिया बहुत गरीब था पर उसके बाद उसने मेरा व्रत किया तो वो लोग बहुत पैसे वाले हो गए। तो जितने जितने साल उसने जो पूजा की उतने साल वो लोग खूब इसमें रहे, मतलब खूब खूब अच्छे से रहे। तो फिर बाद में अभी इतना अच्छे से उसने पूजा पाठ किया इसलिए दूसरे जन्म में ना उसको इस तरह राजा की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो वो ही याद कराने में इधर आई हूं, ऐसा उसने दासी को बोला। तो दासी वो सुन के ना दासी सब लक्ष्मी व्रत की सारी माहिती उससे पूछने लगी और पूजा पूजा करने की पद्धति भी पूछने लगी। इस तरह से वो सब लक्ष्मी व्रत की माहिती लक्ष्मी जी ने उसको, वो मतलब जो बूढ़ी औरत आई थी लक्ष्मी के वेश में, उसने सारी उसको सब दासी को सब बताया। और फिर उसने रानी को बोलने को बोला तो रानी को तो बहुत प्राउड आ गया था अभी, तो उसने तो वो सुना नहीं और उसको एकदम गुस्सा, रानी को गुस्सा आ गया। दासी ने बोला ना कि इस तरह से आपको मैसेज भेजा है एक बूढ़ी ने, तो उसको फिर बहुत रानी को गुस्सा आ गया और उसने वो बूढ़ी को गुस्से से वहां से निकाल दिया। तो फिर ना थोड़े दूर जाते जाते ना वो जो बूढ़ी थी ना गाइस, वो एकदम लक्ष्मी जी थी। तो बूढ़िया बूढ़ी को लगता है, बूढ़ी को लगा अब मैं राजा के घर पे नहीं रहूंगी, राजा के घर पे रहूंगी तो ये रानी तो बहुत घमंडी है, तो अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो वहां से जाने लगी ना, तो उसको थोड़ा आगे चल के ना उसको शामबाला मिली। तो उसने सब पूछा तो है ना, हाँ लक्ष्मी को उसकी दया आई और उसने सारा शामबाला को सब व्रत की माहिती बोली। वो दिन माक्षर महीना का पहला गुरुवार था, जो आज माक्षर महीना है ना वो पहला गुरुवार था। और श्यामबाला ने ये लक्ष्मी व्रत भाव भक्ति से किया। गाइज ये श्यामबाला ना वो रानी की लड़की, और व्रत करने से उसको सिद्धेश्वर नाम का एक राज्य में मालधार नामना राजपुत्र साथे लग्न थया, ते अने तेना पति ना राज वैभव ने सुखमा रहवा लग्या। और इस साइड ना श्यामबाला को तो बहुत अच्छा से हो गया क्योंकि उसने लक्ष्मी व्रत किया, लेकिन ये साइड ना लक्ष्मी के कोप से ना वो रानी का सब धन धान्य ऐश्वर्य सब चला गया और उसके पास बिल्कुल कुछ खाने को भी अन्न धन्य नहीं रहा। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला, सूरज चंद्रिका रानी का नाम, कि अपने जवाई है जो श्यामबाला के हस्बैंड, उसके पास आप जाओ और वो बहुत धनवान है, तो आप उसको अपनी ये बोलोगे ना दुर्दशा तो वो थोड़ा आपको संपत्ति देंगे। तो भद्रशवा
जमाईना राज्य में राजा गयो, मतलब रानी की बात सुन के राजा वो अपनी बेटी के घर गया। बेटी के घर गया, दासी बाहर आई तो उसने बोला कौन हो आप? तो दासी ने बोला कि दासी को बोला कि मैं इनके पिता हूँ श्यामबाला के। तो दासी ने उसको बहुत अच्छे से अंदर लेके गई और पूरा श्यामबाला ने उसका आदर सत्कार किया अपने हर पापा का, और फिर बहुत अच्छे से मेहमान गति करी। और फिर आते अपना एक हंडा भर के एक हंडा ढक के दिया उनको भर के। तो घर पे आया और वो उसकी मम्मी को, मतलब रानी को, सूरज चंद्रिका को खुशी हो गई कि ये तो हंडा भर के धन मिला। और जब हंडा खोला तो उसमें कुछ नहीं था, कोयले थे। तो लक्ष्मी जी की अवकृपा से ये ऐसा चमत्कार हुआ। उसने तो उसकी लड़की ने तो हंडा भर के धन दिया था, लेकिन उसमें धन के बदले कोयला हो गया। तो फिर थोड़े दिन के बाद ना सूरज चंद्रिका जो रानी थी वो अपने लड़की श्यामबाला के घर गई। तो वो था मकर महीना का लास्ट गुरुवार। तो श्यामबाला ने लक्ष्मी व्रत किया और अपनी मम्मी के पास से भी करवाया, रानी के पास से सूरज चंद्रिका। और फिर बाद में ना वो अपने रानी अपने घर नगर में आई और उसने लक्ष्मी व्रत किया और वो उसको पूरा राजसुख वापस से मिल गया। तो थोड़े दिन बाद श्यामबाला पियर आई और रानी को उस बात का गुस्सा था कि मेरी लड़की ने धन नहीं दिया था और कोयले भर के दिया था, तो उस बात का उसको गुस्सा था। तो उसने श्यामबाला को अपनी लड़की को प्यार से बुलाया नहीं, कुछ नहीं, उसका अपमान किया। और फिर वहां से श्यामबाला वहां से निकल गई क्योंकि मम्मी तो अच्छे से नहीं बात कर रही है ऐसा करके। तो जाते जाते उसने क्या किया, वहां से थोड़ा सा नमक ले लिया श्यामबाला ने। तो फिर वो घर आई तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या लाई हो? तो वो बोलती है मैं राज्य का साग लाई हूँ, ऐसा बोली। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि उसका मतलब क्या? तो फिर उसने बोला थोड़ा सा सबर करो, मैं आपको बताती हूँ। और फिर खाना बनाया और खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला और फीका भोजन अपने पति को दिया। तो हस्बैंड बोलने लगा ये क्या है, ऐसा क्यों खाना परोसा है मुझे? तो उतने में फिर उसने नमक डाला। तो बोलती है कि यही है राज्य का सार, नमक डालने से खाना पूरा टेस्टी हो गया। तो फिर अच्छे से श्यामबाला और उसके हस्बैंड ने अच्छे से खाना खाया। तो ये कहानी का मतलब ये था कि जो भी लक्ष्मी व्रत श्रद्धा से करेगा तेना पर लक्ष्मी की कृपा थसे, मतलब उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी। सुख शांति नो लाभ थसे, मतलब सुख शांति आएगी, मनोरथ पूर्ण होंगे, मतलब अपनी मनोकामना पूरी होगी। और इतना ही ध्यान रखने का है कि ये कहानी में जैसे सूरज चंद्रिका अभिमान में उसने लक्ष्मी व्रत नहीं किया था, तो इतना ध्यान रखने का है कि पैसा आए तो अपना दिमाग सातवें आसमान पे नहीं चढ़ाने का और अच्छे से लक्ष्मी व्रत का पूजा करने का और अभिमान करने का नहीं। बोलो ओम श्री लक्ष्मी देवेभ्यो नमः। गाइस तो ये था लक्ष्मी व्रत की कथा और मैंने थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको बताया है। और तो आप भी सारे सब लक्ष्मी व्रत की पूजा कीजिएगा। चलिए अब मैं आरती कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे निकलना है पार्लर के लिए। ओके तो गाइस इस तरह से आप भी किताब लेके आइएगा और लक्ष्मी व्रत का आज गुरुवार है, आज ही मैं ये वीडियो डालूंगी, आज गुरुवार है तो आप जरूर से ये वीडियो मेरा देख के गुरुवार की पूजा कीजिएगा। ओके गाइस तो बाय बाय। मेरी स्टोरी, मतलब मेरी क्या ये लक्ष्मी व्रत की कथा आपको कैसी लगी?
अच्छी लगी गाइस। ये मेरे पास गुजराती का था ना, मैं हिंदी का बुक लाती थी तो अच्छे से मैं आपको पढ़ के सुनाती थी, पर ये मेरे पास गुजराती था तो मैंने ट्रांसलेट कर करके आपको सुनाया है। पर आपको मेन मतलब उस सुनाने का उद्देश्य तो समझ में आ गया ना गाइस। तो आज है पहला गुरुवार और मैं वेट नहीं कर पा रही थी कि मैं हिंदी का बुक लेके आऊँ और आपको बताऊँ। तो आज है पहला गुरुवार, आप जल्दी से आज पूजा पाठ कर लीजिए, मैं ये वीडियो आज ही डालने वाली हूँ। ओके गाइस, और आपको पूजा का तो किस तरह सिस्टमेटिक जमाने का पता चल गया ना। 5 फल लेने हैं, दिया रखना है और कुंभ सजाना है, कुंभ में देवी बनानी है, मतलब दूध लेना है, शक्कर रखनी है, और बस इसी तरह आप अपने आप बस स्टोरी पढ़ लीजिएगा या मेरा ये वीडियो लगा दीजिएगा। आपके यहाँ लक्ष्मी जी ये करेंगे तो मेरा भी वीडियो चालू कर देना और स्टोरी सुन लेना। ओके गाइस, और हाथ जोड़ लेना, आरती कर लेना। ओके तो बाय बाय गाइस। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर, मुझ पर और जो भी कथा करेंगे उन पर बनी रहे। ओके बाय बाय। जय लक्ष्मी माता माँ, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणे रुद्राणे कमला, तू है जग माता, माँ तू है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, रिद्धि सिद्धि देता। जय लक्ष्मी माता, तू है पाताल बसंती, तू है शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाश जगनी है द्राता। जय लक्ष्मी माता, जिस घर थोरी बासे, जाहि में गुण आता, कर न सके सो कर ले, मन नहीं धड़काता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन जरी न होवे, वस्त्र न होए राता, खान पान का वैभव तुम बिन गुण पाता। जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर सुखता, क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश करू कोई भी नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता, आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, और उमंग आनंद उमंग पार उतर जाता। जय लक्ष्मी माता, भीतर चर जगत बचावे, कर्म प्राण धाता, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि पाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी जी की जय। लक्ष्मी जी कुछ भी भूल चुक हुई तो माफ करना, और हमारे घर पे भी ला जाओ।